दुनिया का एकमात्र सर्टिफाइड 7-स्टार होटल, वर्ल्ड्स ओनली सर्टिफाइड 7-स्टार होटल। हेलो दोस्तों, टॉप 10 हिंदी की एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। दुनिया में वैसे तो कई शानदार होटल्स मौजूद हैं, पर क्या आप दुनिया के एकमात्र सर्टिफाइड 7-स्टार होटल के बारे में जानना चाहेंगे? अगर हाँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको यात्रा करवाएंगे दुनिया के सबसे शानदार होटल्स में से एक, जो कि एकमात्र सर्टिफाइड 7-स्टार होटल है। दुनिया में कई शानदार और आलीशान होटल्स मौजूद हैं। आपने कई 3-स्टार, 4-स्टार और सबसे अधिक 5-स्टार होटल्स के बारे में सुना होगा, पर क्या आपने कभी 7-स्टार होटल के बारे में सुना है? ऐसा संभव है कि आपने 7-स्टार होटल के बारे में सुना हो, लेकिन क्या आप उस होटल के बारे में जानते हैं जो कि दुनिया का एकमात्र सर्टिफाइड 7-स्टार होटल है? हम आपको उसी होटल के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं और उस आलीशान होटल के एक रोचक सफर पर ले जाने वाले हैं, जिसे देखकर आप भी शायद हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें, दुनिया का एकमात्र सर्टिफाइड 7-स्टार होटल है दुबई का बुर्ज अल अरब। ये ही दुनिया का एक ऐसा होटल है जिसे सर्टिफाइड 7-स्टार होटल कहा जा सकता है। ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध आलीशान और महंगे होटल्स में से एक है। बुर्ज अल अरब को दुनिया का सबसे बेहतरीन माना जाने वाला होटल भी कहा जा सकता है। इस होटल में आपको ऐसा कोई हिस्सा नहीं मिलेगा जो आपको आकर्षित और उत्सुक ना करे। ऐसा लगता है दुबई की सारी खूबसूरती इस होटल में समा गई हो। ऐसा भी हो सकता है कि इसे देखने के बाद आपका शानदार होटल्स को देखने का नजरिया ही बदल जाए। बुर्ज अल अरब का निर्माण 1999 में हुआ था और तब से आज तक ये लोगों में काफी पसंदीदा बना रहा है। जल्द ही इस होटल को खुद दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम ने कमीशन कर लिया, जिसको बनाने में लगने वाला खर्चा लगभग $1 बिलियन था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोई शेख $1 बिलियन का खर्चा करके एक होटल ही क्यों बनाना चाहेगा? तो दोस्तों, इसका जवाब आपको जल्द ही मिलेगा जब आप इस होटल के बारे में जान लेंगे। अब ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें तेल के व्यापार के अलावा भी कुछ ऐसा जोड़ना होगा जो दुबई को और सक्षम बना सके। वैसे आपको बता दें, शेख मोहम्मद बिन राशिद दुबई के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, जिनके ऊपर हमने एक विशेष वीडियो बना रखी है, जिसे देखने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। इन्होंने अपने देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए काम किया और एक ऐसी चीज की शुरुआत की जिससे दुनिया के अरबपति लोग दुबई आए और अपना पैसा वहां खर्च करें, जिससे कहीं ना कहीं देश को ही फायदा हो। इस भयंकर बिल्डिंग का निर्माण कार्य 1994 में शुरू हुआ और 5 साल के अंदर ही ये आलीशान होटल बनकर तैयार हो गया। क्या आपको इसके नाम का मतलब पता है? बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो आपको बता दें, इसका नाम बुर्ज अल अरब का मतलब अरेबियन टावर है। यह होटल 920 फीट ऊंचा है और जिस आइलैंड पर यह बना है वो भी पानी में 148 फीट अंदर तक है। इस होटल में जाने के आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला तो एयरपोर्ट से मिलने वाली रोल्स रॉयस पर आना, या फिर अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से इसमें एंट्री लेना। इस पैराडाइज की लॉबी आपके एंट्रेंस का स्थान होगी। इसकी लॉबी में ही आपको कई कलर पैटर्न्स और टेक्सचर्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ एक बड़ा पत्थर का कैस्केड भी मौजूद है। और साथ ही सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि इसमें 20,000 फीट की सोने की पट्टी से सजावट की गई है, जो कि आपको हैरान कर देने के लिए काफी है। इस होटल को बनाने के लिए विशेष स्टेट वॉरियर मार्बल का प्रयोग किया गया है, जो कि पृथ्वी का सबसे कीमती मार्बल है। आपके कमरे में आपका स्वागत ठंडे और रोज वाटर कॉफी से किया जाता है। इसके बाद आप एक ऐसे एस्केलेटर से गुजरते हैं जो काफी धीरे धीरे चलते हुए आपको एक एक्वेरियम का नजारा दिखाता है। इसके बाद आप इस होटल के एक ऐसे एट्रियम में जाएंगे जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एट्रियम है, जिसकी ऊंचाई 590 फीट तक है। इसमें एक विशेष बात यह भी है कि होटल के बीच में एक झरना मौजूद है जिसका पानी हवा में 130 फीट ऊपर तक जाता है। ये ऊंचाई उतनी ही है जितना की मशहूर बेल्जियो फाउंटेन की है। आपको शायद मेरी बात पर भरोसा ना हो, लेकिन आपको यहाँ के एलिवेटर्स में जाने के लिए एक साधारण दरवाजा नहीं, बल्कि एक अविश्वसनीय सोने का दरवाजा देखने को मिलेगा, जिसकी खूबसूरती से होकर आप अपने कमरों तक पहुंचेंगे। आपको क्या लगता है, इस होटल में कितने कमरे मौजूद होंगे? आपको बता दें, बुर्ज अल अरब होटल में 202 कमरे मौजूद हैं, जो कि काफी अच्छे हैं। इन कमरों में रुकने के लिए आपको हर एक रात का $2,700 यानी लगभग ₹1,70,000 तक चुकाना होगा। वैसे अगर इन कमरों की व्यवस्था और सेवाओं को देखा जाए तो ये कीमत शायद बहुत ज्यादा नहीं है। आप जैसे ही किसी कमरे में एंटर करते हैं तो आपकी सहायता करने के लिए एक बटलर मौजूद होता है। यहाँ का एम्प्लॉई और मेहमानों का रेशियो 6:1 है, जिससे आप समझ सकते हैं कि लगभग हर एक मेहमान के लिए लगभग 6 एम्प्लॉयज लगाए गए हैं। और शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि लोगों को यहाँ रहना काफी पसंद आता है।
कुछ लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि बटलर क्या होता है या वो किस तरह से आपकी सहायता करते हैं। तो आपको बता दें, बटलर आपको हर एक चीज दिला सकते हैं जो आपको चाहिए। बटलर का काम तभी शुरू हो जाता है जब आप कमरे में जाते हैं। वो आपको ताजे फल देता है और आपको कमरे का पूरा दौरा भी कराता है, जिसमें काफी समय लग जाता है। हो सकता है कि आपका बजट थोड़ा कम हो और आप फिर भी इस होटल में रहना चाहते हो, तो आपके लिए यहाँ एक विशेष कमरा मौजूद है। ये होटल का सबसे सस्ता कमरा है, जो कि 2 मंजिला है, जहाँ एक लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया और एक मिनी बार मौजूद है, जिसमें आपके जरूरत की हर ड्रिंक्स मौजूद है। डाइनिंग टेबल पर भी आपको चॉकलेट्स के साथ फ्रेश मैक्रॉन्स देखने को मिल जाते हैं। इस कमरे में लगभग सभी चीजें रिमोट कंट्रोल हैं, चाहे टीवी हो या फिर टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम। आपके बेडरूम तक जाने के लिए यहाँ मार्बल से बनी सीढ़ियां मौजूद हैं, जो कि ताजे गुलाब की पत्तियों से सजी होती हैं। यहाँ का बेडरूम काफी बड़ा है, जहाँ की मैट्रेस की कीमत ही $15,000 यानी 9 लाख रुपए है, जो आपको सच में शानदार अनुभव देने के लिए ही ब्लैंकेट्स और तकियों को असली पंखों से बनाया गया है, जिन्हें खुद फीमेल इटिस के घोंसलों से हाथों से निकाला गया है। इनको बनाने में काफी मेहनत लगती है, क्योंकि ये चिड़ियां केवल सब एंटार्क्टिक में पाई जाती हैं। तो आपको इसकी संतुष्टि मिलेगी कि ये तकिया आपको पूरी रात गर्म रखेगा। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि आपको यहाँ एक पिलो मेन्यू भी मिलती है, जहाँ से आप अपने पसंद का तकिया चुन सकते हैं। आप इसका आकार, शेप और मोटाई अपने हिसाब से चुन सकते हैं। लेविश काउंटी से सजा बेडरूम से लगा हुआ एक सिटिंग रूम मौजूद है। यहाँ के बाथरूम्स में जैकूजी और शावर्स के अलावा एक और बेहद विशेष चीज है, जिसे बुर्ज अल अरब नेक्स्ट लेवल पर ले गया है, और वो है शैम्पू। आपने होटल्स में शैम्पूज और सोप्स ही इमेजिन किए होंगे, लेकिन इस होटल में आपको यहाँ टॉयलेटरी बैग देखने को मिलता है, जिसमें परफ्यूम्स भी होते हैं। अभी आपने जिस कमरे के बारे में जाना वो तो सबसे साधारण कमरा था। इस होटल का सबसे असाधारण कमरा एक रात को लेने के लिए आपको लगभग 11,50,000 रुपए चुकाने होंगे। इस स्वीट में आपको 2 बेडरूम्स, जो कि मार्बल, सोने और रंगों से भरे होते हैं। इसकी स्टेयरकेस आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड फील कराएगी। इसमें एक प्राइवेट डाइनिंग रूम मौजूद है, जो कि आपको काफी स्थान देता है। इस स्वीट में आपको हीललेस स्टाइल लिविंग रूम भी देखने को मिलेगा, जहां आप चाय पीते पीते पानी के नजारों का आनंद ले सकेंगे। इस बेडरूम में आपको ऐसा विशेष बेड देखने को मिलता है, जो कि कमरे के चारों ओर घूमता है। इतना ही नहीं, आपको इस विशेष कमरे में एक 24 कैरेट सोने का आईपैड भी देखने को मिलता है। ये एक ऐसा रूम है जिसमें आपको खुद का प्राइवेट एलिवेटर मिल जाता है, जिससे आप किसी भी फ्लोर पर जा सकते हैं। इस होटल में आपको खाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको बुर्ज अल अरब में 9 रेस्टोरेंट्स देखने को मिलते हैं, जिनमें आपको गजब का खाना मिलता है। यह व्यक्ति को खाने के लिए लगभग 10,000 रुपए चुकाने पड़ते हैं। इस खाने को 25 शेफ्स द्वारा बनाया जाता है। अलमहारा बुर्ज अल अरब का एक फ्लैगशिप रेस्टोरेंट है, जहां हर डिश को ट्रफल या कैवियर और सालमन से बनाया जाता है। एक पके सालमन की कीमत लगभग 12,000 रुपए तक होती है। ये दुनिया के सबसे मशहूर डाइनिंग रूम्स में से एक है, क्योंकि यहाँ 260,000 गैलन का एक्वेरियम मौजूद है। अगर आप कुछ खाने के शौकीन नहीं हैं, तो सोने से सजे 27 बार और लाउंज में आप एक ड्रिंक ले सकते हैं, जहां पूरा कमरा सोने के शैंडलियर्स और क्रिस्टल से सजा हुआ है। इस होटल में कई पूल्स मौजूद हैं, और तो और यहां कई रॉयल के बनास भी मौजूद हैं। इस होटल के स्पा में आपको ग्लास विंडोज का सोना भी मिल जाएगा, जहां आप रिलैक्स कर सकते हैं। यहां मौजूद इन्फिनिटी पूल आप रिजर्व भी कर सकते हैं, और इसमें कई ऐसी चीजें हैं जिसका अनुभव बताया नहीं जा सकता। ये होटल आपको अद्भुत अनुभव कराने के लिए काफी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। धन्यवाद।